तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, आपका स्वागत है एमपी 32 वाला राइडर के यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज है 1 जनवरी 2023। तो सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर गाइस। तो आज से अपन पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी चैनल पे डेली के डेली ब्लॉग लेकर आए। तो गाइस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने भाई की चैनल को सपोर्ट करना। आज से अपन कोशिश करेंगे कि डेली आपको अपना ब्लॉग लेकर आए। तो चलिए गाइस पहले अपनी गाड़ी बाहर निकाल लेता हूँ मैं। आप देख सकते हैं पीछे भी गाड़ी लगी है, इधर भी लगी है, पार्किंग की बड़ी समस्या रहती है। तो आज नए साल है तो अपनी दोनों गाड़ियाँ बाहर गई हुई है, अब तीसरी गाड़ी खड़ी है तो आप इसको अपन लेके जाना। तो पहले गाड़ी बाहर निकाल लेता हूँ फिर आपको आगे का सीन दिखाते हैं। तो गाइस घर से निकलने के बाद अपन ने थोड़ा सा काम रास्ते में था जो निपटा लिया है, अब आपको आगे का सीन दिखाते हैं। गाइस मुझे क्या है कि मोबाइल रखने के लिए एक होल्डर लेना है, ले नहीं पा रहा हूँ, टाइम का थोड़ा मिल नहीं पाता और आज भी संडे पड़ रहा है, आज भी दुकानें बंद है। तो गाइस अपनी गाड़ी है महिंद्रा की बुलेरो जो कि भाग सकती है, इसकी हाई स्पीड बड़ी तगड़ी है। यहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं है ज़्यादा, फोटोज वगैरह बढ़िया आ जाएंगे यहाँ पे। तो गाइस मैं आपको अपनी गाड़ी की जो है डिटेलिंग रिव्यू देने वाला हूँ, इसीलिए खास तौर पर मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। आज का ब्लॉग मेरी अपनी गाड़ी के ऊपर होने वाला है। तो आज है 1 जनवरी, तो आज से जो है गाइस मैं अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर वाला हूँ अपनी गाड़ी को लेकर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल के आइकन पर क्लिक जरूर कर देना, तो जिससे क्या होगा कि आप जब भी हमारी वीडियो देखना चाहेंगे और हम जब भी अपनी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज अपनी गाड़ी का रिव्यू देने वाला हूँ आपको, महिंद्रा बुलेरो का। तो गाइस ये गाड़ी अपनी है 2014 मॉडल, लेकिन आप देख के नहीं कह सकते ये 14 मॉडल है क्योंकि इसकी कंडीशन ही मैंने कुछ ऐसी रख के रखी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ऑल न्यू, बिल्कुल न्यू खरीदी थी हमने, 2014 मॉडल है ये। तो आज इसका मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस ये देखिए, ये बम्पर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल जो आपने आगे देखा, पीछे भी बम्पर लगे हुए थे हमारी गाड़ी में जो अपन ने निकाल दिए हैं, जो बाहर से अलग से लगते हैं। तो ये सामने जा रही है बोलेरो, इसका बम्पर आपने देखा होगा, इसके बम्पर में और हमारे बम्पर में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन हमने इसमें क्या किया है गाइस, सिर्फ 100 रुपये लगाए हैं, 100 रुपये का रेडियम लगाया है और आप देख सकते हैं
जो लुक निकल के आ रहा है। और हमारी गाड़ी है 2014 मॉडल, 14 मॉडल गाड़ी है, SLX महिंद्रा बुलेरो। इसका ये भी हमने पेंट किया है, ये ऐसा नहीं आता, आप देख सकते हैं गाइस गाड़ी की कंडीशन, टॉप क्लास कंडीशन है हमारी गाड़ी की। अंदर से दिखाता हूँ आपको, ये अंदर का सीन कुछ इस प्रकार है। शीट कवर भी अभी नए रखे हुए हैं, एक दो बारी डलवाए हैं। और गाड़ी हमारी चली है गाइस, अभी दिखाऊंगा आपको कितनी चली है, 9-10 साल हो चुके हैं लगभग, और गाड़ी आपको अभी दिखाता हूँ कितनी चली है। ये कंडीशन है हमारी गाड़ी की, ये है महिंद्रा की बुलेरो, काफ़ी अच्छी गाड़ी है गाइस। ये अपने खेत हैं, यहीं पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। पीछे से दिखाता हूँ आपको अपनी गाड़ी का सीन, ये ड्रायर रखा हुआ है अभी अपन ने जो बम्पर मॉडिफिकेशन की थी ना उसके लिए। तो गाइस मैंने एक चीज़ देखी है, कोई भी बंदा अपनी गाड़ी के आजू बाजू से निकलता है तो वो गाड़ी को मुड़ के ज़रूर देखता है, क्या है इसके अंदर खास, ये तो आपसे अच्छा कोई जान नहीं सकता। तो गाइस आज है नया साल, आज से अपनी चैनल के ऊपर डेली ब्लॉग लाने की कोशिश करेंगे, उस ब्लॉग में इस वीडियो को भी शामिल कर लेना। और आपको अब दिखाता हूँ अपने मीटर गाड़ी का, इसका साउंड भी सुनाऊंगा अभी आपको मैं, अपनी महिंद्रा की बुलेरो का। खास तौर पे इसीलिए आया था मैं, ये ओला वाले तो साले ऐसे जाते हैं उड़ के। तो गाइस आप देख सकते हैं 1,33,000 चली है गाड़ी, मात्र 1,33,000 चली है गाइस अपनी गाड़ी जो है, 1,33,000 चली है मात्र। आपने देखा अभी मीटर में, तो यही है अपनी गाड़ी का मीटर ओरिजिनल, इसमें अपन ने कोई भी किया है क्योंकि अपने वो गाड़ी बेचनी नहीं है इसलिए। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी के मीटर को जो है कम ज़्यादा करवा लेते हैं, जिससे क्या होता है उनको अच्छी प्राइस मिल जाती है। अब आपको सामने से दिखाता हूँ अपनी गाड़ी का सीन। गाइस आपने बम्पर देखा होगा आगे जो मैंने मॉडिफाइड किया है खुद से, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को, अपन खुद से कर लेते हैं क्योंकि इस काम में अपन मास्टर माइंड हैं, अपने को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अपने पास सारे औजार फावड़े हैं, तो अपना काम ही यही है एग्रीकल्चर मशीनरी बनाने का। टायर भी नए डाले हैं अपनी गाड़ी में, उसकी फोटो खींच लेता हूँ पहले। तो गाइस ये अपनी गाड़ी की साइड प्रोफाइल, कैसी लग रही है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही था कि आपको मैं अपनी गाड़ी दिखाऊं, इसका मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं। और ये आपने एक चीज़ पर ध्यान अभी तक दिया ही नहीं होगा, ये देखिए गाइस ये लाइट आप देख सकते हैं, ये न्यू जनरेशन लाइट है, आजकल की जितनी भी बुलेरो हैं इसमें यही आ रही है लग के, वेल फिटेड है ये, इसको भी आप देख सकते हैं। अभी गाइस मैं इसमें एक और अपडेट करने वाला हूँ, आगे चल के आपको दिखाता हूँ। अभी ये पिलर है इसमें, ये भी ब्लैक करने हैं मुझे, बाकी इसको तो मैं नया डलवा लूँगा, इसको नया डलवाना है। अभी मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इसका फ्रंट पोर्शन जो है चेंज करने वाला हूँ,
बाकी आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, अभी सब कुछ नहीं बताने वाला। तो गाइस आप देख सकते हैं बम्पर को, बम्पर को कैसा मॉडिफाइड किया मैंने, कैसा लग रहा है आपको ये ज़रूर बताना, नए मॉडल से कंपेयर कर लेना। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई को सपोर्ट करना, और भाई आपके लिए डेली वीडियो लाता रहेगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं।